What the tech is going on friends, मेरा नाम है विकी डिकोडर की तरफ से और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दो बजट फोन्स Zenfone Lite L1 और Max M1 का कैमरा कंपैरिजन करने जा रहे हैं। और आप कमेंट करके बताना कि आपको कौन सा फोन बेटर लगा। सो लेट्स बिगिन। दोनों ही फोन्स के रियर साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है विद f2.2 अपर्चर एंड द रिजल्ट्स आर क्लियर ऑल्सो। आप ऑलमोस्ट हर एक पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के पिक्चर्स क्लिक किया है। दोनों ही में जो डिटेल्स और कलर रिप्रोडक्शन है वो सच में मुझे काफी अच्छा लगा है। Asus ने यहाँ पर काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है। लेकिन क्लोज ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि L1 के पिक्चर्स में फोकस प्रॉपरली नहीं हुआ है, लेकिन M1 के पिक्चर्स काफी शार्प और क्लियर है। सो यह M1 ही विनर है। इवन HDR परफॉर्मेंस भी दोनों ही फोन्स का काफी सेम है। इंडोर लाइटिंग में भी आप देख सकते हैं कि जो कलर रिप्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है। और अगर प्राइस के हिसाब से मैं इसको बोलूं तो दोनों ही फोन्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन क्लोज ऑब्जेक्ट में अगेन Zenfone M1 ही विनर है। नाउ फ्रंट साइड में L1 में आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा और M1 में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। और डे लाइट में अगेन कलर्स काफी सिमिलर है, लेकिन M1 के जो सेल्फीज है वहां पर आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा वाइड एंगल है, तो आप ज्यादा वाइड या फिर ग्रुप सेल्फीज ले पाएंगे। और ये सच में काफी तारीफ करने वाली बात है कि 5 मेगापिक्सल होने के बावजूद भी L1 काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और सरप्राइजिंगली मुझे HDR सेल्फी में L1 का ही परफॉर्मेंस बेटर मिला, लेकिन लो लाइट में L1 कम्प्लीटली फेल्स। फ्रंट फ्लैश होने के बावजूद भी L1 के पिक्चर्स बिल्कुल डल और वॉश्ड आउट आ रहे थे, लेकिन M1 में जो कलर रिप्रोडक्शन था वो सच में बहुत ही अच्छा था और इस प्राइस में प्रॉबेबली बेस्ट है। शायद और भी ऑप्टिमाइजेशन के साथ Asus L1 को फिक्स कर सकता है। तो गाइस ये है Asus Zenfone Lite L1 और Max M1 का वीडियो क्वालिटी। और आप देख सकते हो कि जो M1 है उसका जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, लेकिन L1 में कैमरा उतना ज़्यादा वाइड नहीं है। हालांकि फिर भी L1 ब्राइट डेलाइट में काफ़ी अच्छा डिटेल यहाँ पर मेंटेन कर रहा है, लेकिन M1 की क्वालिटी ओवरऑल जो यहाँ पर क्वालिटी है वो बेटर है। और यहाँ पर आप मेरा पीछे सन फ्लेयर देख सकते हो कि यहाँ पर एक्सपोजर और कलर वलर कैसे यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आपको किसकी क्वालिटी बेटर लग रही है। डेफिनेटली M1 विल बी हियर द विनर। सो फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप 7,500 रुपए स्पेंड कर सकते हैं तो प्रोबेबली M1 ही सबसे बेस्ट कैमरा फोन होगा। लेकिन अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 6,000 रुपए है तो आप L1 कंसीडर कर सकते हैं, अगर लो लाइट सेल्फीज आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।